नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे करने वाले हैं कि आप अपने बच्चीज को सर्दियों में क्या डाइट दें और कबूतर को क्या डाइट दें, क्योंकि दोस्तों सर्दियां आ चुकी और सर्दियों में जो है अपने बर्ड्स का जो उसका रीजन है, उसका जो क्लाइमेट है वो आपको गर्म रखना है जो आपकी बर्ड्स हैं, और सर्दियों में अपने बर्ड्स के जो बॉडी है वो गर्म करने के लिए उसको क्या डाइट दें आप। तो वजीज को आप दे सकते हैं दोस्तों बाजरा, गेहूं के साथ बाजरा मिक्स कर दें ताकि जो है उनकी बॉडी जो है अंदर से गर्म रहे, बॉडी गर्म रहेगी तो सर्दियों से बचे रहेंगे और अच्छे से सर्वाइव करेंगे। वजीज को आप खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं दोस्तों, उसके डाइट में मिक्स करके, उससे भी जो है उनके शरीर की बॉडी के अंदर जो है गर्मी रहेगी और वो जो है सर्दी को अच्छे से झेल सकते हैं। बात करते हैं कबूतर की, कबूतर को आप बाजरा दें, बाजरे के साथ सरसों के दाने दे दें जो उनके लिए बहुत ज्यादा सही रहेंगे सर्दियों में, और केज को कवर कर दें अच्छे से बोरी वगैरह से। अगर रूम में फैन वगैरह है तो वो बंद रखें, विंडो वगैरह है तो विंडो को अच्छे से कवर कर दें ताकि जो है बाहर की ठंडी हवा जो है वहां पे ना आए। दोस्तों तो मरीज को पानी जो है या तो आप ठंडा दे दें या फिर अगर गर्म करके उसको रख दें एक बार अच्छा सा गुनगुना करके तो भी बहुत बेटर रहेगा। धनिया आता है जो पत्तों वाला वो उनको दे सकते हैं पर थोड़ा कम दें, मेथी आती है पत्तों वाली वो ज्यादा दें दोस्तों, मतलब इतना भी ना दें कि प्योर मेथी दे दें, उससे क्या है लूज मोशन हो जाते हैं खरगोश वगैरह को और बजीज को। डाइट के हिसाब से जो है मेथी थोड़ा कम कर दें और उसमें जो है धनिया ऐड कर दें, मतलब कि दोनों को इक्वल कर दें ताकि लूज मोशन ना हो और जो है डाइट अच्छी बनी रहे दोस्तों। मजीज को आप दे सकते हैं, रैबिट्स को आप जो है धनिया हो गया, मेथी हो गया, गेहूं हो गया, रोटी ये सब दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं सर्दियों में दोस्तों। पर केज को जो है आप सभी को कवर कर दें अच्छे से, पानी जरूर चेंज करें सर्दियों में, ये सब आप उनका डाइट रखें तो जो है आपको जो बर्ड्स है और आपके एनिमल्स हैं वो सब अच्छे रहेंगे। बात करते हैं बतख की, डक्स वगैरह को क्या देना चाहिए सर्दियों के मौसम में। तो डक्स को आप जो है चावल दें बना के और रोटी दे दें इनको, इनके लिए वही बहुत है सर्दियों में। तो बाकी फिश वगैरह आप दे सकते हैं, फिश वगैरह डक्स को दे दें आप, फिश वगैरह भी जो डक्स के लिए अच्छी होती है वो आप डक्स को दे दें। रैबिट्स के न्यू बॉर्न बेबी को क्या खिलाएं, उसको आप बाजरा दे दें खाने के लिए गर्म रहेगा, शलगम के पत्ते, मूली के पत्ते हो गए, गोभी के पत्ते और मेथी जरूर दें सर्दियों में दोस्तों, मेथी जो गर्म होती है रैबिट्स सभी के लिए। पैरेट्स को क्या दें दोस्तों, पैरेट्स की बात अगर हम करें लेकिन एक पैरेट्स की, तो उनको आप पहले तो सीजनल फूड पैरेट्स को दें आप, उसके बाद उनको बाजरा जरूर दें, कनकी दे दें, गेहूं दे दें, ये सब ले उनके लिए जो है गर्म होते हैं और अच्छे होते हैं, तो ये सब चीज़ आप उनको आराम से जो है दे सकते हैं दोस्तों। आपको भी दिखाता हूँ मेरे पिजन कबूतर वो देखिए, तो कबूतरों को भी आप गेहूं दे दें और उसमें बाजरा ऐड कर दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।